हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती और आज मैं पंजाब के गार्डन से वीडियो बना रही हूँ। जो मेरा एक घर पे गार्डन होता था, टेरेस गार्डन, तो आज मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो अच्छी ग्रोथ पे हैं, मतलब मोस्टली ऐसे ही हैं जो अच्छी ग्रोथ पे हैं। तो यहाँ पर साइप्रस वाइन भी शायद लगी हुई थी और वो भी सूख गई है, तो लग तो साइप्रस ही रही है, बट और भी हो सकती है। नहीं, वही है क्योंकि इसके सीड्स शायद झड़ गए हैं और काफ़ी ये जल बुन गई है। तो अभी मैंने सारी ये क्लीनिंग करनी है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पर इसके सीड्स ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये अपने आप सीड्स गिरते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मांगते हैं, तो मतलब कुरियर वगैरह करने को बोलते हैं। मैंने एक बार किया भी था, तो पता नहीं मिला या नहीं मिला किसी को, तो मैंने खुद से अपनी जो पे करके भेजा था, लेकिन पता नहीं उनको मिला या कैसे क्या है। तो फिर मैंने अभी नहीं करूँगी क्योंकि बार बार उस चीज़ के लिए इतना टाइम है नहीं है। तो यहाँ पर ये पत्थर चट्टा है शायद, मुझे इसका नाम नहीं पता। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे गिर गए होंगे, वैसे इसे मदर ऑफ थाउजेंड बोलते हैं। तो इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बनते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते थे, यहाँ पर काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो इसी के बीच में ये प्यारी सी लगी हुई है स्वीट पोटैटो वाइन, ये वेरिएटेड है। और इसमें एक और वैरायटी है मदर ऑफ थाउजेंड की, ये तो मैंने इसमें गिराया भी नहीं और अपने आप हो गया है। और यहाँ पर ये लटक रही है ऊपर से काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर ये जो 4 o'clock का प्लांट है, इसको जब मैंने ग्रो किया था तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये हो जाए, लेकिन तब ये बस प्लांट ही रहा था, फूल नहीं निकला था। लेकिन अभी देखिए, पीछे से पानी भी डेली नहीं होता है प्रॉपरली, जो भी ऊपर नेचुरल इनको बारिश का पानी मिलता है वही है, और वो भी इसमें भी ये ग्रो हो चुके हैं। और उसके बाद ये है बॉलीविन जी, काफ़ी छोटे छोटे से पत्ते हुए पड़े हैं। तो नीचे को ये लटक रही है स्वीट पोटैटो, ये बहुत ज़्यादा शायद हुई पड़ी थी, तो पानी कम मिलने की वजह से उतनी ग्रोथ अच्छी नहीं है। और ये भी थोड़ी सी कटिंग गिर गई होगी, वो है नींबू है, पता नहीं ये कौन सा है। अभी तक इस पर कुछ फूल वगैरह तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये अमरूद का है, ये शायद सूख गया है। अभी मेरे पास कटर वगैरह नहीं है, तो जितने भी ये ऑर्नामेंट्स लगाए थे सब ऐसे ही जंग वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि इनको कोई देखने वाला है नहीं पीछे से। तो यहाँ पर है टर्टल वाइन, टेंगल्ड हार्ट, ये सॉरी टर्टल वाइन और बॉलीविन ज्यू, और साथ में ये सदाबहार का है, ये तो जगह जगह पे हुआ पड़ा है। और बीच में घास बहुत ज़्यादा है जो होती है, उसके फूल वगैरह बने हुए हैं। तो ये जो था पॉट, जब मैं कर रही थी तो खाली था बिल्कुल, तो इसमें छोटी छोटी कटिंग जो है गिरने से अपने आप ग्रो होगी। तो यहाँ पर एक ये कैनन लिली है, और इसके जो प्लांट्स हैं काफ़ी हेल्दी हो गए हैं, और इसमें से अभी मुझे लगता है कि बर्ड्स वगैरह भी बनेंगी। तो अभी तो कोई नज़र नहीं आ रही है, तो इसके बहुत बड़े बड़े और सुंदर फूल होते हैं। और सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगी है ये पर्सलिन और पोर्चुला का, सूखे घास के बीच कलरफुल, एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब मैं यहाँ पे होती थी तो गिलहरी खा जाती थी, कभी मैंने इतने फूल एक साथ नहीं देखे हैं। तो अभी घर भी वही है, गिलहरियाँ भी वही हैं, लेकिन इनको खा नहीं रही हैं। इधर है ये पोर्चुला का, तो ये भी बहुत अच्छे खिले हुए हैं। तो इनमें मैं कटिंग्स वगैरह लगा के गई थी, तब मैंने लगाई थी अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो इतने टाइम में, मतलब ये लगभग दो सीज़न इसको हो गए हैं, तो 2 सीज़न में ये इतनी ग्रो हो गई है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो एक क्यारी है ये, इसी में मैंने बनाया था आर्च, ये जो साइप्रस वाइन के लिए, तो वो भी ऐसे का ऐसे ही है। और इधर लगी हुई है येलो कलर की ये पर्सलिन, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और बीच में पीच भी है, ऑरेंज भी है, पिंक भी है। और इधर है ये
टेंगल्ड हार्ट, तो घर में मदर के पास शायद अभी ये ख़त्म हो गई है या कम होगी, तो अभी मैं आज इसमें से कटिंग लेकर जाऊंगी। जो शिलोंग में है वो भी काफ़ी कम है, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और मुझे ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से ये बढ़ रही है और इसी के बीच में ये सदाबहार है और जो लेमन ग्रास होता है वो, और एक है ये कैक्टस, ये मुझे नाम नहीं पता इसका, तो इसकी भी अलग सी ग्रोथ हो रही है। तो ये भी गिरा हुआ था, अभी मैंने रखा है ऊपर, तो छोटे से पॉट में लगा हुआ है, इनको पानी भी नहीं मिलता है। और एक ये लास्ट टाइम मैं यहाँ पे रख के गई थी, तो ये शायद लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैंने देखा था ग्रो हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा था मैं लेकर जाऊँगी, ये तब भी रह गया था और इस बार भी जब मैं आई थी लास्ट तब भी रह गया था, तो आज मैं इनको लेकर जाऊंगी। ये नीचे फ्लोर पे गिरा हुआ था, तो क्योंकि फ्लोर पे काफ़ी मॉस वगैरह हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर था, तो उसमें ये अच्छे से ग्रो हो गया। जैसे ये है इसी शेप में ग्रो हो गया और नीचे इसकी रूट्स भी बन रही हैं, तो शायद मैं अगर और थोड़ा लेट आती तो शायद और अच्छे से ग्रो हो जाता। तो आज मैं इसको घर ले जाऊँगी। इधर निकली है इतनी गंदगी और यहाँ पर है ये मदर ऑफ थाउजेंड पॉर्चुला का, ये सब मैं आज उखाड़ के जाऊंगी। ये है ये कैक्टस है मलेरिया का, ये बीच में एक दूसरा कैक्टस है, तो इधर भी है छोटे छोटे से कैक्टस, काफ़ी ज़्यादा थे और अच्छे से ग्रो हो रहे